एक ऐसे नौजवान के साथ हमारा आशीर्वाद है जिस पर सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास किया है, और ये नई सपा है, नई हवा है, जिसमें नौजवानों की ताकत भी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। और निश्चित रूप से मैं अपने आशीर्वाद के साथ उपस्थित हूँ आज इनके नामांकन में। मेरी शुभकामना सिर्फ नहीं है, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है इनको कि ये ऐतिहासिक अंतर से जीत हासिल करेंगे और उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो अंसारी परिवार ने राजनीति में जो मानदंड स्थापित किए हैं और विकास के लिए जो अपेक्षाएं इनसे हैं मोहम्मदाबाद की जनता से, खास तौर से उनको ये आगे बढ़ करके पूरा करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है जिस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाने का, उसमें अपना संपूर्ण रूप से योगदान देंगे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 10 साल तक इस क्षेत्र में हर गांव हर घर में जाके सबसे मिला और सबके दुख सुख में शामिल हुआ। और जैसे हमारे परिवार ने इस विधानसभा क्षेत्र और इस क्षेत्र में लोगों की मदद की है, उनके दुख सुख में आंसू पोंछा, और जहां भी विकास की बातें आई हैं, जहां भी जितना विकास का हो सकता था मेरे परिवार ने किया, हम भी उसी पदचिन्हों पर चल के अपने परिवार की जो भी विरासत थी उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ये नॉमिनेशन पहली बार नहीं कर रहे हैं, मुझे जितना याद आता है 2017, 2019, फिर 2022, तो क्या माना जाए कि ये जो तीसरा नामांकन है ये डमी कैंडिडेट के रूप में रहेगा या मुख्य रूप से आप मेन स्ट्रीम लाइन में आएंगे? नहीं नहीं, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर भरोसा दिलाया जताया है और उनके उस भरोसे को हम लोग ऐतिहासिक वोट में तब्दील करके आपको 10 मार्च को दिखाएंगे। तो इसका मतलब माना जाए कि पिताजी की विरासत को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं? जी, पूरी मोहम्मदाबाद की अंसारी परिवार की विरासत को हम लोग आगे। एक मोहम्मदाबाद से हट के सवाल, मऊ में मुख्तार अंसारी की विरासत उनके लड़के अब्बास, आपके भाई अब्बास, और मोहम्मदाबाद में आपको सौंपी गई, इसको जनता को किस तरह से देखना चाहिए? हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधे चुनाव लड़ने आ गए, हम दोनों भाई क्षेत्र में लगातार सालों से काम करते रहे हैं। हम लोग पहली बार कोई राजनीति पद के लिए नहीं किए, हम लोग हमेशा सालों से, हम तो 10 साल से क्षेत्र में लगे रहे हैं, और हम लोग, हम दोनों भाई आने वाले 40 सालों तक अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका परिवार डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का परिवार है और उसी परिवार में आज मऊ विधायक मुख्तार अंसारी का भी नाम जुड़ा है जो कि बाहुबली के रूप में है, उस चीज को कैसे मिटाएंगे अपने ऊपर से? शुभकामनाओं को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे चचा हैं और गरीबों के मसीहा हैं। बहुत बहुत